और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गया है लेकिन शाम 4 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही सेवा ठप हो गई। भारी ट्रैफिक की वजह से सर्वर क्रैश कर गया और 1 मई को वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है लेकिन जैसे ही आज रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ वैसे ही सर्वर क्रैश कर गया, क्योंकि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी थी और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना था, तो अचानक से भारी तादाद में लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया और उसके बाद दबाव पड़ने से, लोड पड़ने से ये सर्वर जो है वो क्रैश कर गया है। लेकिन इस सर्वर को ठीक करने की कोशिश हो रही है और खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जल्द ही ये सर्वर फिर से काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि कोविन ऐप के जरिए ही फिलहाल रजिस्ट्रेशन हो रहा है और 4 बजे आज समय दिया गया था लेकिन रजिस्ट्रेशन जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही सर्वर क्रैश कर गया। तो अब से थोड़ी देर पहले 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू होगा लेकिन कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला दे दिया है और इसमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र ने कहा है कि 1 तारीख से हम ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते। बड़ी उम्मीद लेकर लोग वैक्सीन लगवाने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे। उनके पास पहले से अपॉइंटमेंट भी था लेकिन बीकेसी पहुंचते ही जब नजर आया ये बोर्ड तो लोगों के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। इसी जंबो सेंटर कहता है वैक्सीन इज आउट ऑफ स्टॉक, लोगों को परेशान होना यहाँ पर लाजमी है। लोग पुलिस वालों से, डॉक्टर से पूछ रहे हैं आखिर उनको क्या करना है। इस वक्त आप देखिए किस तरीके से यहाँ आम जनता, आम नागरिक पुलिस से पूछ रही है आखिर वैक्सीन क्यों नहीं है और वो करें तो क्या करें। सेवन हिल्स में जाके आए हैं, सब कहीं पे भी स्टॉक नहीं है, सेवन हिल्स में भी नहीं था। जिस सेशन सायन हॉस्पिटल में था अभी हम वहाँ गए, वो बोलते नहीं है। हमने बोला बीकेसी में पहला डोज लिया, वहाँ जाएं क्या? बोले हाँ वहाँ स्टॉक है। तो हम टैक्सी करके आए अभी यहाँ पर और अभी यहाँ बोल रहे नहीं, आप नंबर लेके जाइए। मुंबई से ये तस्वीर ऐसे दिन में आई है जिस दिन टीकाकरण के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। जी हाँ, आज शाम 4 बजे से 18 साल से ज्यादा के लोग वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। 1 मई से इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सवाल उठता है कि जब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन में इतनी मारामारी मच रही है तो फिर 1 मई से जब टीके के लिए योग्य लोगों का दायरा बढ़ जाएगा तो क्या स्थिति होगी? क्या राज्य इसके लिए तैयार हैं? ये बयान सुनकर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। 7 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी स्टेट को, तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहां से देंगे। कई राज्यों के मंत्रियों के बयान से संकेत मिल रहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने में वो खुद को असमर्थ पा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक राज्य को 12 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 7500 करोड़ खर्च करने वाली है लेकिन किसी भी वैक्सीन कंपनी ने उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है। हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए, इसमें हमारा जो एज ग्रुप है वो एज की जो संख्या है वो 5 करोड़ 71 लाख इतनी संख्या इसमें आती है और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ डोजेस हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है, उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। उधर कर्नाटक के डिप्टी CM अश्वथ नारायण का कहना है कि राज्य सरकार टीकाकरण के लिए तैयार है। 10 दिन पहले ही वैक्सीन का ऑर्डर दिया जा चुका है और जल्द टीका मिल जाना चाहिए। अगर आप 18 से 44 वाले आयु वर्ग में हैं तो जरा जान लीजिए टीकाकरण की प्रक्रिया। इसके लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। भीड़ से बचने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि 45 से अधिक आयु के लोगों के पास टीकाकरण केंद्र पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प है। रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर होगा। जहां तक कीमतों का सवाल है,
तो ज्यादातर राज्य सरकारों ने 18 साल से 45 की उम्र तक के लोगों के लिए भी मुफ्त टीके का ऐलान कर रखा है। इसलिए सरकारी केंद्रों में वैक्सीन मुफ्त में लग जाएगी, लेकिन निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए खुद खर्च करना होगा। निजी अस्पतालों को सीधे टीका निर्माताओं से वैक्सीन लेनी होगी। प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड के टीके 600 रुपए प्रति डोज जबकि कोवैक्सीन 1200 रुपए प्रति डोज की कीमत पर मिलेगी। राज्य सरकारें भी अब सीधे वैक्सीन कंपनियों से खुराक खरीद सकती हैं। उन्हें कोविशील्ड की एक खुराक 400 रुपए में पड़ेगी जबकि कोवैक्सीन की एक खुराक 600 रुपए में पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि टीका कोरोना से बचाव का सबसे भरोसेमंद तरीके के रूप में सामने आया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी आबादी के लिए वैक्सीन का इंतजाम चिंता का सबब है, लेकिन परेशानी अस्पतालों के बेड ऑक्सीजन इंजेक्शन को लेकर भी है। आइए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली का हाल। दिल्ली में भी अस्पतालों में बेड्स के लिए मारामारी मची है। इसे दूर करने के लिए रामलीला मैदान में 500 बेड के अस्थायी अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका है। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। रेमडेसिविर के लिए अस्पताल के बाहर लाइन लगी हुई है। दवा दुकानदार ने बोर्ड लगा दिया है कि रेमडेसिविर का स्टॉक खत्म हो चुका है। मेडिसिन नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। स्टॉक अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हम कल भी आए थे, कल भी मॉर्निंग में 4 बजे आ गए थे, शाम को 4:30 बजे यहाँ से गए हैं, आज भी मॉर्निंग में 4:30 बजे आ गए थे, अभी भी वेट कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, देश की राजधानी में जीवन रक्षक दवाइयों का टोटा पड़ा है। अस्पतालों में बेड के लिए जद्दोजहद है, तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। दिक्कत है ऑक्सीजन की, 2 दिन से ऑक्सीजन तो मेरी गाड़ी में नहीं है, और बहुत ही ऑक्सीजन मैंने ऊपर अपने बोला है सर से, तो वो ऑक्सीजन के लिए बोल रहे हैं कि रुक जाओ, 1-2 दिन में मिल जाएगा। लोग परेशान हैं और अपने मरीजों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या इलाज में आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में अब भी पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। लिहाजा घंटों इंतजार के बावजूद ना तो मरीज भर्ती हो पा रहे हैं, ना ही उन्हें लेकर भटक रहे लोगों को सही जानकारी मिल पा रही है। दरवाजा बंद है। जी हाँ, हम उस कोविड सेंटर पे खड़े हैं जिसकी कल शुरुआत हुई है, सबसे बड़ा कोविड सेंटर बताया जा रहा है दिल्ली का, लेकिन बेबस लाचार मरीजों के लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी स्थिति देखिए, दरवाजे से सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार की माने तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का सरकार का एक्शन प्लान अब असर दिखा रहा है, और जल्द ही दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी। दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से टैंकर मंगाने की तैयारी की है, जो आज से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलने चालू हो जाएगी। विदेश से ऑक्सीजन के इंतजाम हो रहे हैं। पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 500 ICU बेड्स का अस्थायी अस्पताल बनना शुरू हो गया है। पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 ICU बेड्स के अस्थायी अस्पताल का। यहां पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अस्थायी टेंट यहां पर लगाया जा रहा है। दिल्ली में पिछले सोमवार से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के हाल में कोई सुधार नहीं है। कल दिल्ली में कोरोना के 24,149 नए मरीज सामने आए, जबकि 381 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। दिल्ली में एक दिन में इतनी ज्यादा मौतें कोरोना से नहीं हुई थी। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 98,264 तक पहुंच गई है। आंकड़े डरा रहे हैं, इसे कम करना है तो जरूरी है
और छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।